Hello friends, so today we are going to start the new chapter, Why Do We Fall Ill? ठीक है, Why Do We Fall Ill? ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? It's all about the chapter Health and Disease. ठीक है, सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है, तभी हमें समझ में आएगा कि डिजीज क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज हेल्थ. ठीक है, एग्जाम ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ क्या होती है, इसकी पूरी डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में ये डेफिनेशंस जो है ये प्रोवाइड करी कि हेल्थ एक्चुअली होता क्या है. तो इन्होंने कहा हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ठीक है, इट इज परफेक्ट बैलेंस बिटवीन a person and his environment and proper functioning of all the organs in body. ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन. एक एक वर्ड में जो डेफिनेशन है उसका छुपा हुआ है कि व्हाट इज द यू नो उसके पीछे क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज फिजिकल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज सोशल हेल्थ, ठीक है, व्हाट इज द परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर फंक्शनिंग. ठीक है, सो इन दिस डेफिनेशन इट इज नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई डिजीज नहीं है, लास्ट में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, दैट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है किसी पर्टिकुलर डिजीज के, ठीक है, दैट डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी. बिकॉज टू बी हेल्दी यू शुड बी फिजिकली हेल्थ. ठीक है, दैट मीन्स यू शुड बी फिजिकली फिट. Your all the organs should work perfectly, should work in a coordinated, should work in a harmonious way. ठीक है, the second one is mental health, that is very important. सबसे पहला जो point इसमें लिया गया है वो लिया गया है कि physical health. ठीक है, that means जो आपकी bodily health है वो, ठीक है, तो वहां पे you should be fit and healthy. ठीक है, फिट होना चाहिए, आपका स्टैमिना जो है वो अच्छा होना चाहिए, यू शुड नॉट फील वीक. ठीक है, तो यू शुड बी फिट एंड फाइन. ठीक है, द सेकंड वन इज द मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंटली अगर कोई बहुत एंशियस है, बहुत टेंशन है उसको, दैट मीन्स कि ही इज हेल्दी. अगर उसे बॉडीली ही इज फिट, ही इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम ऑफ डिजीज, दैट डजंट मीन ही इज हेल्दी. बिकॉज ही शुड बी हेल्दी मेंटली, दैट मीन्स नो. ठीक है, तो मेंटली जो है ही शुड बी इन हॉर्मोनियस स्टेट विद हिज एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट मतलब वर्क प्लेस पर, ठीक है, ही शुड बी हैप्पी. ठीक है, फैमिली में ही शुड बी हैप्पी, तो दैट मीन्स अ मेंटल हेल्थ. ठीक है, द थर्ड वन इज सोशल हेल्थ. ठीक है, तो ही शुड बी एबल टू
मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस हिज विद इन हिज सोसाइटी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेंटली उसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, फिजिकली ही इज फाइन, दैट डजंट मीन कि सोशली ही शुड बी एक्टिव, बिकॉज अ ह्यूमन बींग एनिमल इज अ सोशल, ठीक है, ह्यूमन बींग आर अ सोशल एनिमल, दैट मीन्स ही शुड, ही बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड ही शुड थिंक ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, दैट मीन्स दैट ही इज हेल्दी इफ ही इज सोशली एक्टिव. ठीक है, ठीक है, तो सोशल हेल्थ मीन्स गुड जॉब, गुड नेबरहुड, ठीक है, सोशली एक्टिव. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच सेज दैट ही इज सोशली हेल्दी. ठीक है, तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच विच शोज दैट ही इज अ हेल्दी पर्सन. तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. इट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट एंड अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ हिज बॉडी. ठीक है, सो दैट इट इंक्लूड्स द फिजिकल हेल्थ, द मेंटल हेल्थ एंड द सोशल हेल्थ. ठीक है, सो फिजिकल हेल्थ मीन्स बॉडीली फिट एंड फाइन, मेंटल हेल्थ मीन्स हार्मोनी विद एनवायरमेंट, नो एंजाइटी, नो टेंशंस. ठीक है, तो एंजाइटीज नहीं होना चाहिए, सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट ही शुड बी एबल टू हैंडल विद हिज प्रॉब्लम्स. ठीक है, ही शुड नॉट ब्रोक डाउन विद हिज प्रॉब्लम्स, सो दैट दैट शोज दैट ही इज मेंटली हेल्दी. ठीक है, सोशली हेल्दी, दैट ही इज हैविंग अ हेल्दी सोसाइटी. ही शुड ही कंसर्न टुवर्ड्स द सोसाइटी, इज हैविंग गुड जॉब, गुड नेबरहुड. ठीक है, सोसाइटी जो है सोशली एक्टिव होना चाहिए, तो दैट डिटरमाइंस द हिज सोशल हेल्थ. ठीक है, नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ? ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड अस. ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट किसी भी बींग के, इन ह्यूमन बींग के जो सराउंडिंग में है, दैट अफेक्ट हिज हेल्थ. कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर. ठीक है, ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. कि ये जो कंडीशंस है कैसी है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड या हॉट है, तो ऑफकोर्स इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. क्लाइमेट, वेदर कैसा है वहां का, दैट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पर्सन. ठीक है, सो दैट नोन एज फिजिकल एनवायरमेंट, इट विल अफेक्ट. ठीक है, तो ये ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा हेल्थ को, क्योंकि टेम्परेचर हमें बहुत अफेक्ट करता है. ठीक है, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट अवर हेल्थ. ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो है सोशल एनवायरनमेंट. हमारे आसपास हमारी सोसाइटी कैसी है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, जॉब कंडीशन, कि हमारी जॉब की कंडीशन कैसी है, परमानेंट है, टेम्प्रेरी जॉब है. ठीक है, ऑफकोर्स वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ ह्यूमन बींग. ठीक है, ऑफिस एटमोसफियर, ऑफिस में कैसा एटमोसफियर है, नेबरहुड कैसा है, फैमिली एटमोसफियर कैसा है, इट विल अफेक्ट अस. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द सोशल एनवायरमेंट ऑफ अ पर्सन विच अफेक्ट हिज हेल्थ. ठीक है, द थर्ड वन इज पब्लिक क्लीनलीनेस. पब्लिक क्लीनलीनेस मतलब हमारे एनवायरमेंट में क्लीनलीनेस कैसी है. ठीक है, तो गार्बेज डिस्पोजेबल डिस्पोजल कैसा है. ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसा है. ठीक है, डंपिंग ग्राउंड्स कहां हैं,
ठीक है। तो गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम कैसा है किसी जगह, सीवेज डिस्पोजेबल या ट्रीटमेंट सिस्टम कैसा है कहीं, डंपिंग ग्राउंड जो है वो कहाँ पर है, दैट विल अफेक्ट। ठीक है, तो ये जो पब्लिक क्लीनलीनेस है हमारे एनवायरनमेंट में, क्लीनलीनेस जो है इट विल डायरेक्टली अफेक्ट अवर हेल्थ। ठीक है, द फोर्थ वन इज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो दैट मीन्स अ फूड। ठीक है, तो बैलेंस डाइट एक पर्सन ले रहा है या नहीं, ये ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा, क्योंकि इट विल, अगर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है तो इट विल अफेक्ट हिज हेल्थ, ही विल हैव अ डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर कोई बहुत ज्यादा डाइट ले रहा है, एक्सेस हो रहा है ईटिंग, तो दैट विल कॉज ओबेसिटी, दैट इज नॉट अगेन गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो बैलेंस डाइट एक पर्सन की इट विल अफेक्ट, ठीक है, फूड व्हाट ही इज ईटिंग। ठीक है, तो फूड जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो उसको, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फूड हैबिट्स क्या है, ठीक है, फूड हैबिट्स जो हैं दैट विल अफेक्ट हेल्थ ऑफ पर्सन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लोगों की परचेसिंग पावर कैसी है। ठीक है, अगर दे आर गुड, उनकी जो जीडीपी है, ग्रोथ जो पर कैपिटा जो जीडीपी है, जो उनकी इनकम है, ठीक है, अगर वो सफिशेंट है दैट दे कैन परचेस गुड क्वालिटी फूड, ठीक है, गुड क्वालिटी क्लॉथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर हेल्थ। ठीक है, तो परचेसिंग पावर ऑफ अ पर्सन विल अफेक्ट हिज हेल्थ, क्योंकि अगर वो खरीद नहीं पा रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी, तो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगा। बैलेंस डाइट नहीं मतलब कि हेल्थ नहीं। तो दीज आर द कंडीशन विच अफेक्ट्स द हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पब्लिक क्लीनलीनेस, बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल क्लीनलीनेस ऑल्सो विल अफेक्ट द हेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। ठीक, नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या चीजें जो बताती है कि द पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज। सबसे पहला ये कि कोई डिजीज उसे ना हो, कोई सिकनेस उसे ना हो, इल ना हो वो। ठीक है, दूसरा, दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि नो अननेसेसरी एंजाइटी। ठीक है, अननेसेसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंजाइटीज एंड टेंशन। कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी सी बात पे दे बिकम एंशियस और टेंस्ड। ठीक है, दैट मीन्स बहुत छोटी छोटी चीजों की उन्हें बहुत चिंता होती है, तो ये भी एक अनहेल्दी पर्सन की जो है वो सिम्टम्स हैं, क्योंकि हेल्दी पर्सन अननेसेसरी टेंशन या एंजाइटी जो है उसमें नहीं होती। ठीक है, तो दैट शो अ हेल्दी साइन। ठीक है, नो अननेसेसरी एंजाइटी एंड टेंशन, जॉय ऑफ लिविंग। ठीक है, एक पर्सन जो है जो हेल्दी है वो उसमें जीने का उत्साह दिखेगा, वो खुश दिखेगा, तो दैट इज नोन एज जॉय ऑफ लिविंग। ठीक है, इसके अलावा जो एक पर्सन होगा, ही विल बी हैविंग अ फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट शोज दैट ही इज हेल्दी। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट ऑल्सो डिटरमाइन दैट इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल इलनेस। एंड इफिशियंसी टू वर्क। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एक हेल्दी पर्सन अपना काम हमेशा पूरे दिल से करेगा, इफिशियंटली करेगा, अच्छे से करेगा, और बाकी चीजें जो है वो एक हेल्दी पर्सन का जो है साइंस है, सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कि ही शुड बी फ्री फ्रॉम सिकनेस,
एंड डिजीज, फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीज, ही शुड बी फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटीज एंड टेंशन, ही शुड बी इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही शुड हैव अ जॉय ऑफ लिविंग, ही शुड बी efficient to work, ठीक है, he has a desire to work efficiently, that is very important, these are the all the symptoms which says that it is a healthy person, ठीक है. Now we will say the importance of health and then we will see the absence of health, that is disease क्या होता है, ठीक है.